झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक्य का वजूद सिरे से था ही नहीं, उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक्या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बार बार एहतजाज की कॉल्स की नाकामी के बाद अपोजिशन ने खतरनाक मंसूबा बनाया। एक ऐसे वक्त में जब गैर मुल्की सरबराहान आए हैं, ऐसा किया गया। इस जमात के पेड टाउट से सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया गया। जिस बच्चे का नाम लिया जा रहा है वो किसी और कॉलेज की है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, इन लोगों ने किसी और बच्ची की पोस्ट किसी अस्पताल से लेकर लगाई है। इंतशार फैलाने वाले नेटवर्क को पकड़ लिया है। इस नेटवर्क में बैरून मुल्क से भी लोग शामिल हैं। जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने, जाहिर है हमारे CCTV कैमराज का एक मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया, पुलिस से रابطہ हुआ। पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देखे, ख़ुद हमसे रابطے में आ गए, उन्होंने भी हमसे सारी कैमराज वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमराज रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है। सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तजाद है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर, इतनी बातों की बात से बात उन्होंने निकाली हुई है, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने इस तरह था, कभी एक्स वाई जेड जितने भी नाम आ रहे हैं, हम अपनी सिस्टम में सर्च करते हैं उन नामों को, उनसे रابطہ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गर्ल्स जो हैं वो महफूज हैं। आज के दौर में सच्चाई को छुपाना आसान नहीं। हमारे नोटिस में जैसे ही बात आई, छानबीन शुरू की गई, मगर कुछ ना मिला। अगर कोई ऐसी बच्ची है, हमें बताया जाए, हम इसके पास चले जाते हैं। डायरेक्टर पीजी से आगा ताहिर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर दी जाने वाली पोस्टों में बहुत ज़्यादा तजाद है। किसी सियासी जमात के साथ इस वाक्य को जोड़ने का हमें अंदाज़ा नहीं। इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाकया हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी? शायद एक आध बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है, वो उस कैंपस से बिलोंग करती है, बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो हैं ही नहीं। वाकया यही है कि वाकया नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड पर रख लें, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में, मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूँगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूँ। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस RF चौधरी बोले कि जब किसी वाक्य का वजूद ही नहीं तो पुलिस किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे? अगर ये वाक्या साबित हो गया तो मैं पेशा छोड़कर तलबा के साथ खड़ा हो जाऊंगा। सोशल मीडिया पर 8 से 10 बच्चों के इंटरव्यूज वायरल हैं। जिन बच्चों के इंटरव्यूज आए वो हमारे कॉलेज के नहीं हैं। मिनिस्टर ने कैंपस सील करने के अहकाम क्यों दिए, समझ नहीं आ सके। ग्यारह बजे 11:40-50 पे हमारे कैंपस में आती है और उन्होंने आके सारा डेटा जो था हमारे CCTV कैमरास का वो कलेक्ट किया, देखा। हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया। ये तमाम जब हमारे कैंपसेस में एडमिशन लेती हैं, हमारी सराउंडिंग में आ जाती हैं, तो ये हमारी बेटियाँ हैं। प्रिंसिपल कॉलेज सादिया जावेद कहती हैं, जब ये पोस्ट लगाई गई तो इसी रात पुलिस ने हमारे साथ रابطہ किया। पोस्ट लगने के बाद हमने तहकीकाती इदारों से भरपूर तावुन किया। जो हमारे पास आ जाती है वो हमारी बेटी की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक और सच पर हैं, मीडिया से कोई बात नहीं छुपाई। ये महज एक मैंडेट सेट था जिससे हमारे तलबा गुमराह हो गए। हमारे
निजी कॉलेज के कैंपस में तलबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो का वाकया, पुलिस की मुदैयत में थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर तलबा से मुबैना ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाकये की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तलबात से दरियाफ्त किया गया। मुतल्लिका लड़की और इसके वालिदैन ने इस वाकये की मुकम्मल तर्दीद की। FIR का मतन। लाहौर के निजी कॉलेज के कैंपस में तलबा के साथ मुबैना ज्यादती का प्रोपेगेंडा। हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालदैन से 3 घंटे मुलाकात। 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। तलबा और वालदैन की सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। सिविल सेक्रेटरेट में आला सतह की कमेटी का अजलास। तमाम अवामिल का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर में मुबैना रेप के वाकये से मंसूब तलबा की तहरीरी बयान में वाकये की तर्दीद। मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। तहरीरी बयान के मुताबिक वो 2 अक्टूबर को पैर में चोट लगने से मुंह के बल घिरी थी। दवाइयों से अफाका ना हुआ और सांस की शदीद तकलीफ की वजह से निजी अस्पताल ले ICU में मुंतकिल किया गया था। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों की भी सुनेगी फंड्स में फी तालिब इल्म 100 रुपये इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी से 2री क्लास के तालिब इल्म को 750 रुपये मिलेंगे। 3री तक 5वीं तक के बच्चों के लिए 800 रुपये मुकर्रर। 6ठी से 8वीं तक के फी बच्चे के लिए 900 रुपये मुकर्रर। 9वीं 10वीं के 800 से 1100। साइंस के तलबा को 1300 रुपये दिए जाएंगे। सूबाई दारकूमत में सियासी सरगर्मियां तेज। 3 बड़ी सियासी जमातों के बड़ों की आज बैठक शेड्यूल। मौलाना फजल रहमान लाहौर पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान की आज नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को जाती उमरा में इशाइयों पर बुला रखा है। बाघों के शहर का मौसम तब्दील होने लगा। हवा में खंकी बढ़ने से सर्दी ने दस्तक दे दी। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मोग ने बाघों के शहर पर हमले कम न किए। दोपहर के वक्त भी आलूदगी की शरह 186 रिकॉर्ड। लाहौर आलमी रैंकिंग में दुनिया का 4था आलूदा तरीन शहर करार। बरकी रोड पर सबसे ज्यादा 274 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर पर है। जोहर टॉम 186, ठोकर पर 181 AQI, DHA फेस 8 में और शिमला पहाड़ी के अतराफ आलूदगी की शरह 176 को छू गई। पुलिस की फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। रवा साल 189 मुकदमा दर्ज। 201 मुलजिमान गिरफ्तार। CCPO लाहौर का कहना है कि एंटी स्मोक मुहिम में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस टीम में माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए मावनत फराहम करें। पंजाब में डेगी के डंग। 24 घंटों में मजीद 172 अफराद शिकार। रावलपिंडी से 157, लाहौर से 8, जेलम से 2 केस रिपोर्ट। गुजरांवाला, चकवाल, अटक, सरगोधा और ओकाड़ा से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ता में 904, रवा साल अब तक 3771 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास। इंसदाद पोलियो मुहिम को मुअसर बनाने के लिए माइक्रो प्लानर को डिजिटलाइज करने का फैसला। अगली इंसदाद पोलियो मुहिम में डिजिटलाइज माइक्रो प्लानर पर अमल दरामद का आगाज लाहौर से होगा। चीफ सेक्रेटरी बोले, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए साइंसी बुनियादों पर काम करना होगा। 100% नतीजे हासिल करने के लिए माइक्रो प्लान्स की डिजिटलाइजेशन अजहद जरूरी है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रदो बदल। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये महंगा।
फी लीटर कीमत 251 रुपए 29 पैसे मुकर्रर, वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। दुनिया भर में लाखों अफराद भूख का शिकार हों और करोड़ों टन खुराक जाया होना लम्हा फिक्रिया है। जरूरत से ज्यादा खाना निकालना या जाया करना बेहसी की मुतरादिफ है। घर, होटल और तकरीबात में खुराक का ज़िया रोकने के लिए महज़ब रवैया अपनाना होगा। हमें खुराक के ज़िया को बचाने और आने वाली नस्लों के लिए महफूज खुराक की फरहमी को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का खुराक के आलमी दिन पर पैगाम। क्लीन लाहौर मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक। सैयद मूसा रजा का तहसील शालीमार के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई और तजारत तो पार्किंग के इकदामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बोले, हर गली और मोहल्ले में सफाई निजाम को बरकरार रखने के लिए LWMC वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक रहें। शहर की आम शाहराहों पर स्वीपिंग का अमल जारी रखें। सैयद मूसा रजा का जोनल अफसरान को कायम तजावजात को फिलफौर हटाने का हुक्म। सदर चैम्बर मियाँ अबूज़र शाद की मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी असूलों की बुनियाद पर माशी तरक्की की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, इस्लामी असूलों पर अमल से तजारत में कामयाबी यकीनी है। मुस्लिम दुनिया को इक्तसादी तरक्की के लिए इस्लामी तालीमात अपनाने की जरूरत है।